हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से, VKSU के ऐसे स्टूडेंट तो सत्र 2022-25 में एडमिशन लिए हैं, उनका पार्ट वन का एग्ज़ाम फॉर्म कब से भराएगा, पार्ट वन का एग्ज़ाम कब होगा, सत्र 2021-24 का जो आपका मार्च में परीक्षा हुआ था उसका रिजल्ट कब आएगा, सत्र 2020-23 का जो अभी अभी परीक्षा सम्पन्न हुआ है लास्ट अप्रैल में उसका रिजल्ट कब आएगा, नया नामांकन सत्र 2023-27 में जो इस बार इंटर पास किए हैं उनका कब से शुरू होगा, PG में नामांकन कब से शुरू होगा सत्र 2022-24 में, पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम से बात कर लेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जुड़ जाइए। VKSU आरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिस टेलीग्राम चैनल में 77,000 से ऊपर स्टूडेंट मिलेंगे यही एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सत्र 2022-25 UG एडमिशन का। देखिए इसका परीक्षा फॉर्म आपका एक सप्ताह के अंदर भराना शुरू हो जाएगा, जैसे ही भराएगा तो stresult.com वेबसाइट पर, smartjobresult.com वेबसाइट पर लिंक दे दिया जाएगा और आपको एक बच्चे का स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिससे आप अपना फॉर्म घर बैठे भर सकते हैं। इसका परीक्षा आपका 1 से 1.5 महीना में आपका संचालित करा लिया जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपडेट है आपका सत्र 2021-24 का रिजल्ट कब आएगा, तो सत्र 2021-24 का रिजल्ट आपका जून के प्रथम सप्ताह में आएगा, वही सत्र 2020-23 का रिजल्ट जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपका आएगा। तो stresult.com वेबसाइट और एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब देखिए PG में एडमिशन सत्र 2022-24 में PG में एडमिशन के लिए देखिए आपका बैठक आज होने वाला है, अगर सब कुछ सही रहा तो 23 तारीख यानी कि 23 मई से 31 मई तक आपका आवेदन लिया जाएगा। आपको बता दें PGMA MSc MCOM में मेरिट के आधार पर नामांकन होगा, जैसे आपका जो भी ग्रेजुएशन में नंबर आया है उसके आधार पर मेरिट बनेगा और आपका इसी के आधार पर नामांकन लिया जाएगा। 23 मई से अगर सब कुछ सही रहा तो आवेदन शुरू हो जाएगा। सत्र 2023-27 राजभवन का आदेश है कि आज से ही ऑनलाइन शुरू कीजिए और 30 जून तक ख़त्म कर दीजिए। अब UG में पैसा भी ज़्यादा लगेगा, पहले आप 7 से 8 हज़ार में ग्रेजुएशन कर लेते थे लेकिन अब आपका क्या हो गया, यही आपका ग्रेजुएशन अब 24 से 25 हज़ार हो गया। साइंस में आपका लगभग 24 से 25 हज़ार खर्च है, आर्ट्स में आपका लगभग 21 हज़ार का खर्च आ रहा है। लेकिन ये एक फ़ायदा है कि जैसे पहले बच्चे क्या करते थे कि पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे तो उनका पढ़ाई ख़त्म, लेकिन अब क्या हो गया, एक साल का अगर आप पढ़ाई छोड़ते हैं एक साल करके तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री, 4th साल में उसको ही प्रवेश करना है जिसको आगे चल के स्नातकोत्तर PG करना है। तो आई होप आप पूरा डिटेल्स में समझ गए होंगे, इसका सारा डिटेल्स आपको चलिए stresult.com पर दिखाते हैं। गूगल पर सर्च करना है stresult.com, 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 देख सकते हैं आपका अपना वेबसाइट खुल गया है। यहाँ पर देखिए नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कैटेगरी, कैटेगरी के नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है VKSU वाला, यहाँ से सारा VKSU का अपडेट मिलेगा, यूनिवर्सिटी अपडेट से सारा बिहार का यूनिवर्सिटी का अपडेट आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप देखिए PG एडमिशन जैसे ही शुरू होगा यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको सेक्शन जो दिखाई दे रहा है यूनिवर्सिटी अपडेट का, इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बिहार UG एडमिशन 2023, यहाँ पर कर देना है क्लिक और यहाँ से पूरा सूचना को देखिए पढ़ लेना है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में सोमवार को बैठक होगा, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, हो सके तो 23 या 24 तारीख से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। तो एक बच्चे का डिटेल्स में फॉर्म भर के यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।